हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि महिलाओं को कैसे लड़के पसंद आते हैं, आखिर कैसे लड़के हैं जो लड़कियों को दिल को टच कर जाते हैं और इम्प्रेस कर जाते हैं महिलाओं को। उनमें से एक आप हो सकते हैं। अगर आपको कोई महिला अच्छी लगती है तो आप समझ जाओ कि कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि आज से पहले मुझे नहीं लगता होगा कि किसी ने आप लोगों को बताया होगा। सबसे पहले लड़कियाँ जो है, महिलाएँ, वो लड़कों में तीन चार चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो बॉडी शोडी वाले लड़के, जिनके बॉडी शोडी है तो उनसे महिलाएं बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं। दूसरा, वैसे लड़के जो शॉपिंग करा सकते हैं, मन चाहे उनकी चीज़ें खरीद सकते हैं बिना पूछे। यानी कि आप किसी महिलाओं को घुमाते हो, शॉपिंग कराते हो, वो लड़की महिला आपसे जल्दी इम्प्रेस हो जाएगी, बिना आगे पीछे सोचे आपसे बढ़ जाएगी। और सबसे खान पान की अगर हम बात करें तो गोलगप्पे खिला सकते हो, क्योंकि महिलाओं लड़कियों को गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप किसी महिलाओं को गोलगप्पे खिला रहे हो, चटपटा चीज़ें खिला रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। अगर और भी चीज़ें और भी अच्छा लगता है महिलाओं को, अगर आप बोलते कम हैं सुनते ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ें भी हैं जो महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है। यानी कि किसी भी लड़की के आप करीब आ सकते हैं। चौथी बात ध्यान में रखना होगा कि आप झूठ बोलते हैं ये आप जानते हो, लेकिन उसे पता नहीं होगा। यानी कि आप जितनी झूठी तारीफ करेंगे, जितनी आप फेंक सकते हैं उस महिला के सामने, उन्हें वो रियल लगेगा, क्योंकि वो आपका दिल ही जानता है कि आप के लाइफ में क्या है और आपके साथ क्या है क्या नहीं है। लेकिन आप कहते हैं ना कि जो दिखाते हैं वही बिकते हैं। अगर आप सच में जितना फेंकोगे, जितना झूठ बोलोगे, आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन आप फेंक कर पटाओगे, सपोज कि आपका पास कार नहीं है और उस लड़की को कार में घुमाया जा रहे हो ये कहकर कि मेरा भाई का कार है, आपके पास खुद का बाइक नहीं है और आप उस लड़की को इसलिए घुमा रहे हो कह के कि मेरा फ्रेंड का नहीं मेरा बाइक है, तो लड़की को लगेगा कि हाँ सब कुछ आपका है। यानी कि किसी और का घर दिखा कर भी आप उस लड़की को इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन हाँ बाद में जब पता लगेगा तो कहीं ना कहीं उदास होएगी, ज़रूर होएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठी थी। यानी कि आप जितना कनेक्शन बनाएंगे, कहते हैं ना कि अगर लॉन्ग रिलेशनशिप चलाना है, अगर किसी को पाने के लिए आप झूठ बोलते हैं तो वो झूठ बिल्कुल भी नहीं होता है, बाद में तो पता लग ही जाता है कि आपके पास कुछ नहीं था। तो ऐसे में लड़कियां काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है कि महिलाएं कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस और भी करते हैं कि आखिर वो लड़का मेरे में कितना दिलचस्पी ले रहा है, ये भी नोटिस करती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर कॉन्फिडेंस बॉय अगर उनके नज़र में है और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है, कॉन्फिडेंस लेवल है उसकी और निर्णय उसकी 100% करेक्ट होती है, अपने फैमिली के बारे में सोचता है, अपने प्यार के बारे में सोचता है और सबके बारे में सोचता है, तो ऐसे लड़के भी महिलाओं के दिल को टच कर जाते हैं। ईमानदार, क्योंकि वो लड़कियां पकड़ लेती है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा भोला है, बहुत ज़्यादा सीधा है। अगर आप सीधे साधे हैं, बहुत भोले हैं, अपनी पर्सनल की सारी बातें शेयर करते हैं, तो ऐसे में भी लड़कियां आपके करीब आ सकती है। यानी कि एक ईजी टारगेट होता है किसी महिलाओं को अपने 100% प्योर हार्ट, यानी कि अगर आप सच्चे हैं तो सच्चे तरीका से भी बहुत इजी तरीके से किसी को आप अपने लाइफ में ला सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए।